नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं सुरेंद्र कुमार, संचालक अर्पण पब्लिक स्कूल दिल्ली। शिक्षा का स्तर तो सबसे पहले हमारा जो समाज है उसको समझना पड़ेगा कि हम लोग बच्चों को किस दिशा में भेज रहे हैं और जो कई कमियां हैं जिसको हमको उस पर काफ़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है। समाज के साथ माँ बाप भी हैं और उसके साथ ये जो हमारा मीडिया है, मीडिया इन सेंस जो चैनल्स हैं वो कई ऐसी चीज़ें जो दिखाते हैं जिससे कि वो बच्चों का जो मन है, विचार है, वो दूसरे पढ़ाई से की तरफ ना होकर के दूसरे तरफ जाता है। अधिकतर तो समाज है, नैतिक की उसकी समझ तो बच्चों में नहीं है। उसको हमको समाज को भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से कमी है। और समाज में हर तरह के लोग हैं, जो अधिकतर आजकल का जो शिक्षा है वो उसके प्रति बच्चों का रुझान कम है। कई ऐसी गलत चीज़ें हैं जिसकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, लेकिन बच्चों को उसके बारे में समझ जब से आए हैं, जैसे कि मान लीजिए 14-15 साल के बाद, 8वीं के बाद बच्चों को यौन के बारे में समझाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे पहले तो बच्चों को उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं है, बहुत तो स्कूल ऐसे हैं जो कि हर तरह से पेरेंट्स और बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। और फीस है, कुछ ऐसे गिने चुने स्कूल हैं जो ज़्यादा हाई फाई होते हैं, वो इस तरह की बातें उनके सामने हैं, लेकिन सारे स्कूलों में ऐसी नहीं है। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।